Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. आज मेरे अनशन का दूसरा दिन है. जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में बहुत पानी की कमी है. इतनी भीषण गर्मी में जब दिल्ली वालों को ज्यादा पानी चाहिए था, यहाँ पे पानी की कमी हो गई है. दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है. दिल्ली में जो सारा पानी आता है वो पड़ोसी राज्यों से आता है. दिल्ली में कुल 1005 MGD पानी आता है जो दिल्ली के घरों में जाता है. इसमें से 613 MGD पानी हरियाणा से आता है. लेकिन पिछले कई हफ्तों से लगातार हरियाणा सिर्फ 513 MGD पानी भेज रहा है. यानी 100 MGD पानी, 100 मिलियन गैलन प्रति दिन पानी कम भेज रहा है. 1 MGD यानी 1 मिलियन गैलन पानी 28,500 लोगों को पानी देता है. यानी अगर हरियाणा 100 मिलियन गैलन पानी कम दे रहा है तो 28 लाख से ज़्यादा दिल्ली वालों को पानी नहीं मिलेगा. 28 लाख दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं. मैंने हर संभव रास्ता अपना के देख लिया, लेकिन जब किसी भी रास्ते से हरियाणा सरकार पानी देने को तैयार नहीं हुई तो मेरे पास अनशन पे बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं था. दिल्ली वाले इतने कष्ट में हैं, इतने परेशान हैं, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं. इसलिए मैं कल से अनशन पर बैठी हूँ. मैंने आज सुबह फिर से दिल्ली जल बोर्ड से सारे आंकड़े मंगवाए, लेकिन आज भी पानी की कमी बनी हुई है. कल पूरे दिन भर में 110 MGD पानी हरियाणा से कम आया है. इसका मतलब आज 28 लाख से भी ज़्यादा लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा. मैं इस अनशन पर तब तक बैठी रहूँगी जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली के लोगों को पानी नहीं देती है. मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक दिल्ली के इन 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल जाता. जब तक दिल्ली के 28 लाख लोगों को हरियाणा से पानी नहीं मिलता, तब तक ये अनशन जारी रहेगा.